तीसरा हमला ईरान ने पाकिस्तान में किया। इराक और सीरिया तो ठीक था, लेकिन क्या ईरान ने पाकिस्तान को निशाना बनाकर बड़ी गलती कर दी है? अब जबकि ईरान में पाकिस्तान ने हमला किया है तो अमेरिका को भी ऐसा करने का हौसला मिल सकता है। अरीफ वो जो दुश्मन भी करे, यही वजह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स पर हर पाकिस्तानी फख्र महसूस करता है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो कर दिखाया है जिसको करने से आज तक अमेरिका भी डरता आया है। भारतीय मीडिया। ऐसे तो पाकिस्तान एयरफोर्स का शुमार दुनिया की बेहतरीन और प्रोफेशनल एयरफोर्सेस में होता है। पाकिस्तान फिजाया हर मर्तबा पाकिस्तानी कौम की उमंगों पर पूरा उतरी है। ईरान पर जवाबी वार करने के बाद तो पाकिस्तान एयरफोर्स का पूरी दुनिया में चर्चा है। जहां अमेरिका पाकिस्तान की इस कार्रवाई पर खुश है, वहीं भारतीय मीडिया ने भी पाकिस्तान एयरफोर्स की इस कार्रवाई को अब तक की सबसे बेहतरीन कार्रवाई करार दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जिस ईरान पर हमला करने से अमेरिका जैसा मुल्क भी खौफजदा था, पाकिस्तानी फिजाया ने ईरान के हमले का जवाब 24 घंटे के अंदर अंदर देकर पूरी दुनिया खासकर अमेरिका और भारत को भी हैरान कर दिया है। भारतीय मीडिया ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान की इस कार्रवाई के बाद अब अमेरिका भी बगैर किसी खौफ के ईरान में कार्रवाई कर सकता है। जिस ईरान से अमेरिका आज तक डरता आया है, वो पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह से अब ईरान को आंखें दिखा सकता है और ईरान में हर किस्म की कार्रवाई भी कर सकता है। आइए आपको भारतीय मीडिया का वो क्लिप सुनाते हैं। और तीसरा हमला ईरान ने पाकिस्तान में किया। इराक और सीरिया तो ठीक था, लेकिन क्या ईरान ने पाकिस्तान को निशाना बनाकर बड़ी गलती कर दी? एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे ईरान की आखिर मंशा क्या है, ये बात तो सामने नहीं है, लेकिन उसके इस कारनामे से उसकी मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को बलूचिस्तान में हुए ईरानी हमलों के बाद पाकिस्तान ने इस पर सख्त एतराज जताया था। इसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गुरुवार तड़के ईरान की सीमा के करीब 50 किलोमीटर अंदर जाकर बलूच लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर हमले कर दिए। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने कम से कम 7 ठिकानों पर हमले किए हैं। इस घटनाक्रम से जहां इलाके में तनाव बढ़ गया है, वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए ये खुश करने वाला हो सकता है। पाकिस्तान की ईरान के अंदर आतंकी गुटों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तानी सेना ने अमेरिका और दूसरे पश्चिम देशों को ईरान के अंदर जाकर उसकी जमीन पर हमला करने का रास्ता दिखा दिया है। इससे ईरान को दुश्मन मानने वाले अमेरिका समेत तमाम पश्चिम देशों को लगेगा कि वो भी पाकिस्तान की तरह ईरान में घुसकर कार्रवाई कर सकते हैं। इससे संभव है कि वो अब ईरान के साथ टकराव से कतराना बंद कर दें। अमेरिका, इजराइल और उसके दूसरे सहयोगी लगातार ये कहते रहे हैं कि ईरान कई आतंकी गुटों को पाल रहा है। अमेरिका का कहना है कि गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूतियों को संरक्षण ईरान दे रहा है। ये तीनों ही गुट अमेरिका के लिए लगातार मुसीबत बने हुए हैं। खासतौर से गाजा युद्ध के बाद इन गुटों ने लगातार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चे खोले हैं। इन गुटों के ठिकानों पर अमेरिका और सहयोगियों ने हमले भी किए हैं, लेकिन ईरान के साथ वो सीधे टकराव से बचते दिखे। अब जबकि ईरान ने पाकिस्तान ने हमला किया है तो अमेरिका को भी ऐसा करने का हौसला मिल सकता है।